विपिन परमार इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। विपिन, जिस तरीके की परिस्थितियां हैं उसे देखते हुए सरकार का ये एक अहम फैसला, एक अहम कदम कह सकते हैं छात्रों के लिए। बात है, क्योंकि जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है उसी तरह से प्रदेश को अगर बात करें टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस तरह से COVID-19 के इस दौर से गुजरते हुए तमाम चीजों को व्यवस्थित ढंग से चलाया जा सकता है, इसी का उदाहरण है कि ये जो वेब पोर्टल आज लॉन्च किया गया है हरियाणा में स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रवेश को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से, इसमें कहीं ना कहीं ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल की अगर इसकी बात करें तो ये एक रियायत देने का काम है, क्योंकि लंबी कतारों में बच्चों को खड़ा रहना पड़ता था, बैंक के ड्राफ्ट जो है वो एडमिशन फॉर्म के साथ जो है वो लगते थे, तमाम प्रक्रिया को सरलीकरण करते हुए जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की प्रावधान किया गया है। UPI के माध्यम से जो है एडमिशन की कोई कतार में नहीं खड़ना है, आपको ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कराकर जो है आप दाखिला ले सकते हैं। तो ऐसी इस प्रक्रिया को सरलीकरण करते हुए जो है कहीं ना कहीं ये जो वेब पोर्टल जो है शिक्षा विभाग की ओर से जो है जो बनाया गया था उसका आज जो लॉन्च है मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है। इसी के साथ साथ अगर छात्रों को कोई दिक्कत या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो उसके लिए व्हाट्सएप चैट बॉट जो है एक आपका मित्र करके एक व्हाट्सएप चैट बॉक्स जो है बनाया गया है, जिसके माध्यम से जो है तमाम तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर किसी भी तरह की शिकायत जो है वो की जा सकती है। इसी के साथ साथ कई तरह की और ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस नामक अंतर्राष्ट्रीय जो पत्रिकाएं हैं उनका भी शुभारंभ जो है वो मुख्यमंत्री की ओर से जो है वो किया गया जी। और विपिन, इस कदम से जिस तरीके से स्थितियों में जो व्यवस्थाएं हैं उनके जरिए अवसर तो प्रदान हो ही रहा है, उन्हें अवसर में कन्वर्ट किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे और हो सकता है शिक्षा में, इसके अवसर भी अब देखने को मिल रहे हैं। चलिए, विपिन से संपर्क टूट चुका है, लेकिन आपको बता दें कि पहला शैक्षणिक व्हाट्सएप चैट बॉट आपका मित्र भी लॉन्च कर दिया है मुख्यमंत्री ने। इसके साथ ही छात्रों के लिए सुविधाएं और बढ़ा दी गई हैं।